तुम अपना खाना इतनी देर से क्यों खा रहे हो? ए हिप्पोपोटामस, तुम अभी आए क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, समझे ना? ओ ऐसा क्या? ठीक है, मैं भी पानी में बहुत देर तक था, तो मैं थक गया हूँ, तो मैं सनबाथ लेने आया हूँ। क्या कहा, सनबाथ? तुम इस फूले हुए चेहरे के साथ सनबाथ के लिए आए हो? हेलो हेलो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? ठीक है छोड़ो उसे, मेरे पास तुम्हारे लिए जरूरी समाचार है। हाँ, जरूरी समाचार क्या है? वो आगे के जंगल में ज्यादा हरे भरा और पेड़ है। अरे वो नहीं, पृथ्वी पर बहुत सी अद्भुत चीजें हो रही है, तुम्हें पता नहीं उसके विषय में? हाँ हाँ, मैं भी उन अद्भुत चीजों में से एक हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अरे रे रे रे, हम सब प्रभु की अद्भुत रचनाएं हैं, उसके अलावा छोटे छोटे बच्चे भी हैं, समझे? हाँ, वो नन्हे बदमाश हमेशा मुझे देखकर चिल्लाते रहते हैं जिराफ जिराफ, और मुझे चिढ़ाते हैं। अरे रे रे रे, शिकायत करना बंद करो, प्रभु उनके द्वारा बहुत से चमत्कार कर रहे हैं। उनके अंदर कैसे? क्या सारे बच्चे स्कूल में पहला रंग पा रहे हैं क्या? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हें एक चीज ध्यान से सुननी चाहिए, यीशु पिता के फिर से इस पृथ्वी पर आने से पहले वो छोटे बच्चों को स्वर्गलोक की बहुत सारी चीजें उजागर कर रहे हैं। ए तुम क्या कह रहे हो, पृथ्वी स्वर्गलोक से बहुत दूर है और कोई भी उस जगह को ढूंढ नहीं पाता है, तो बच्चे वैसी चीजें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसीलिए उन्होंने बच्चों की सेना तैयार की है, समझे? ए तुम्हें एक बात पता है, मैं दो दोस्तों से मिला था। हाँ, दो दोस्त? तुम्हें पानी के अंदर दो दोस्त कैसे मिल गए? अरे रे रे, इधर के तालाब में पानी नहीं है ना, तो मैं तिरुनेलवेली चला गया। जब मैं नहाकर बाहर आया ना, तब मैं उन दो दोस्तों से मिला। क्या देखा? वो दोनों बाहर खड़े हुए थे, समझे? अच्छा, क्या उन्होंने तुमसे बात की क्या? नहीं, मेरे से बात नहीं की, एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन दोनों के बीच की बातें तुमने कैसे सुन ली? अरे रे, इसीलिए तुम इतने बुद्धिमान हो। ओ, ए, वो जोर जोर से बात कर रहे थे, तुम समझ गए क्या? ओ, अच्छा, इसलिए तुम उनकी बात सुन पाए ना। क्या मैं दोस्तों का नाम बताऊं तुमको? बताओ बताओ। पहली दोस्त का नाम है जोइस, दूसरी दोस्त का नाम है एलिस। अरे तुम्हें कितना टाइम लग रहा है उनका नाम बोलने के लिए, मेरा नाम सबसे सही है। तुम्हारा नाम? चलो मुझे अपना नाम बताओ। ये तो जानवरों वाला नाम है, पर उनके बच्चों के नाम वो बहुत अच्छे से रखते हैं। हाँ, ठीक है, क्या है विशेष इन दोस्तों में? अरे उनमें विशेष क्या है, तुम अपने आप ही देख लो, समझे? ठीक है, देखता हूँ। नाम है जॉयस एंजल, मैं बैंगलोर से आई हूँ। मुझे अभिषेक प्राप्त हुआ जब मैं बैंगलोर में घर पर प्रार्थना कर रही थी। एक दिन दिल से मेरी जानकारी के बिना ही मुझे अभिषेक प्राप्त हो गया। यीशु पिता ने कहा था कि मुझे अभिषेक प्राप्त होगा, और उन्होंने कहा था कि मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी है, ऐसा कहा था। और उस दिन मैं बहुत आतुर थी अभिषेक प्राप्त करने के लिए, बहुत ही। और उसके बाद यीशु पिता ने मुझे अभिषेक प्रदान किया, और मैं बहुत सारा समय प्रभु के साथ बिताने लग गई थी, बहुत सारा। अब मैं आपको मेरा पहला दर्शन बताऊंगी। मेरे पहले दर्शन में एक दिन क्या हुआ, यीशु पिता मुझे मूसा से मिलने के लिए स्वर्गलोक लेकर गए थे यीशु पिता। और उस दिन मूसा ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई थी, और उन्होंने कहा था कि वहाँ पे स्वर्गलोक की जगह में बहुत सारे शैतान और पिशाच होंगे, और उनको नष्ट करने की कुछ तकनीकें थी। और उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा। और क्योंकि मुझे अभिषेक प्राप्त हुआ ना, तो मैंने सोचा मैं इस अवसर के लिए यीशु पिता का धन्यवाद करूं। और वो तकनीक ये है कि आपको पता है मूसा दादा ने कहा कि हमें अन्य
अन्य भाषाओं में बहुत देर तक प्रार्थना करनी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें वॉरफेयर प्रार्थना करनी चाहिए शैतान को बांध के नष्ट करने के लिए, ऐसा कहा उन्होंने मुझे। और फिर मैं प्रभु के चरणों को पकड़ कर रही और मैं उनके साथ विनती करती रही प्रार्थना में। उस समय मैंने देखा कि मेरे सर पर अभिषेक आ रहा है, और ये है जो दर्शन मैंने देखा। उसके बाद यशा पिता ने मुझे दूसरा दर्शन दिखाया था। उस दर्शन में यशा पिता मुझे स्वर्गलोक लेकर गए थे, और उन्होंने मुझे बहुत बड़े महल दिखाए, जो पवित्र स्थान थे यशा पिता के, वो सब वहाँ थे, और वो सब मुझसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा बता रहे थे। और मैंने उसके लिए यशा पिता का धन्यवाद किया, और फिर यशा पिता ने मुझे बताया कि ऐसे प्रार्थना करनी है, वैसे प्रार्थना करनी है, इतनी देर तक प्रार्थना करनी है, ये कहना सिखाना आरंभ किया। और उस दिन से मैं बहुत खुश हूँ। जब वो मुझे महल में लेकर गए थे, मुझे वहाँ पर एक युद्ध लड़ना था, और वो युद्ध था मेरे और शैतान के बीच में। उस समय यशा पिता ने मुझे कहा कि वो एक अलग ही तकनीक है, ऐसा कहा। फिर मैंने यशा पिता से पूछा कि वो तकनीक क्या है। उस समय उन्होंने कहा, तुम अपने आप ही वो तकनीक का पता लगाओगी, ऐसा कहा। और मैं बहुत भयभीत थी उस दिन, पर उन्होंने कहा कि भयभीत मत हो, तुम एक योद्धा हो, जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा इस युद्ध में, ऐसा कहा यशा पिता ने मुझसे। और क्योंकि यशा पिता ही मेरी शक्ति थे, उन्होंने मुझे सिखाया कि मुझे क्या करना है। उस समय मैं अन्य भाषा में बात कर रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं जारी रखूं अन्य भाषा में बात करना और मेरे हाथ से कुछ ना करूं। और जैसे मैं अन्य भाषा में बात करती रही, मेरे मुंह में से तलवारें निकल रही थी, और वो तलवारों ने वहाँ के पिशाचों को मार डाला। சவால் விடும் சந்ததி நாங்க, சேனைகளின் தேவனின் போர் வீரர்கள் நாங்க. சத்தானுக்கு சவால் விடும் சந்ததி நாங்க, சேனைகளின் தேவனின் போர் வீரர்கள் நாங்க. சவாலே சமாளி, சத்தானே நீ ஏமாளி. சவாலே சமாளி, சத்தானே நீ ஏமாளி. சவால் 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 சவாலே, நாங்க பவுல போல சவால் விடுவோம் சவாலே. ஏய் சவால் 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 சவாலே, நாங்க பவுல போல சவால் விடுவோம் சவாலே. ஓ சத்தானுக்கு, ஏய் சத்தானுக்கு, ஓஹோ சத்தானுக்கு சவால் விடும் சந்ததி நாங்க. अब मैं आपको अपना तीसरा दर्शन बताऊंगी। मेरे तीसरे दर्शन में यशा पिता मुझे एक बगीचे में लेकर गए। उस बगीचे में बहुत सारे पौधे थे और पेड़ थे। यशा पिता ने मुझे एक विशेष पेड़ दिखाया और कहा कि इसको मत खाना। उसी समय शैतान ने मुझसे कहा कि मुझे इसमें से खाना है, क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो मैंने उस शैतान से कहा कि तुम्हें मुझसे बात करने का हक नहीं है शैतान, मुझसे दूर चले जाओ, मैंने ऐसा कहा। फिर वो शैतान मुझे छोड़कर चला गया। फिर मैंने यशा पिता से पूछा कि यशा पिता कौन सा वाला फल अच्छा है, यशा पिता मुझे बताइए। फिर यशा पिता ने जवाब दिया कि हर एक पेड़ में एक फल है, और ये सब फल आत्मिक फल है, और हर एक पेड़ में आत्मिक फल है, हर एक पेड़ में आत्मिक फल है। और फिर मैंने यशा पिता से पूछा, यशा पिता
क्या मैं इन पेड़ों में से फल खा सकती हूँ? ऐसा पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं खा सकती हूँ और उन पेड़ों के फल आत्मिक फल है, जैसे प्रेम के, खुशी के, शांति के। और किसी पेड़ में अगर नाम है लव उसके ऊपर लिखा हुआ तो वो वही फल लाएगा, उसमें वही फल लगेगा, प्रेम लाएगा वो, ऐसा यीशु पिता ने कहा। जब मैंने वो फल खाया मुझे वो आत्मिक फल मेरे अंदर मेरी आत्मा में आते हुए महसूस हुए वो फल। हाय दोस्त, अब मैं आपको मेरा चौथा दर्शन बताऊंगी। जब यीशु पिता मुझे पहले स्वर्ग लोक लेकर गए, उन्होंने एक बड़ा सा दरवाजा खोला, बड़ा सा द्वार खोला उन्होंने, और फिर मैंने देखा कि स्वर्गदूत प्रभु की आराधना कर रहे थे और चेरुबिम्स और सेराफिम्स भी उनकी आराधना कर रहे थे और वो सब बीच में खड़े थे। फिर जब स्वर्गदूतों ने आराधना करना शुरू किया, 24 जो बड़े थे उन्होंने अपने मुकुट प्रभु के चरणों पर रख दिए और उनके पैरों को पकड़कर उन्होंने कहा कि यीशु पिता धन्यवाद ये औहदे के लिए जो आपने हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा कह रहे थे वो, और प्रभु से कह रहे थे कि धन्यवाद हमें आपकी सेना का हिस्सा बनाने के लिए, ऐसा कह रहे थे। और जब मैं आराधना कर रही थी उनके साथ साथ प्रभु की, यीशु पिता ने मुझे एक विशेष स्वर्गदूत दिखाया और उन स्वर्गदूतों के बहुत बड़े पंख थे। फिर मैंने यीशु पिता से पूछा कि आपने ये पंख उनके ऊपर कैसे लगाए प्रभु यीशु पिता? फिर यीशु पिता ने जवाब दिया कि ये स्वर्गदूत मेरे साथ में ही रहेंगे और मेरे बहुत ही निकट या करीब रहेंगे, ऐसा कहा उन्होंने मुझसे ऐसा जवाब दिया, और वो किसी और के साथ ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। ये स्वर्गदूत वो पृथ्वी पर है और वो फिर भी मेरे बहुत ही करीब है, ऐसा कहा यीशु पिता ने मुझे, और उसी कारण से उसके बहुत ही बड़े और रंगीन पंख है, ऐसा कहा उन्होंने मुझे। फिर मैंने यीशु पिता से पूछा कि मुझे क्या करना है ऐसा बनने के लिए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे करीब होना होगा और मैं तुम्हें ऐसे पंख प्रदान करूंगा, ऐसा कहा। हाय दोस्तों, मैं आपको मेरा पांचवा दर्शन बताऊंगी। मेरे पांचवे दर्शन में यीशु पिता मुझे स्वर्गलोक लेकर गए अपने साथ और वो मुझे सीधा सोलर सिस्टम में लेकर चले गए, और जब वो मुझे वहाँ लेकर गए मैंने सब 8 प्लैनेट्स को देखा। मैं सूरज के पास भी गई लेकिन मैं जली नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने यीशु पिता से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा अगर वहाँ तुम साधारण तरह से जाती तो तुम जल गई होती, ऐसा कहा, लेकिन तुम आत्मा में गई थी और मैं तुम्हारे करीब था, तुम वो सहन कर पाई थी, ऐसा कहा। मैं वहाँ पर रहना चाहती थी पर प्रभु ने कहा कि हमें वहाँ से निकलना चाहिए, ऐसा कहा। पहले मैंने मर्क्यूरी देखा, वो बहुत छोटा था, ठीक है। फिर मैंने वीनस को देखा और दूसरों को भी देखा। फिर मैं मर्क्यूरी में गई और फिर दूसरों में गई, ठीक है। फिर यीशु पिता ने मुझसे कहा अगर वहाँ मनुष्य जाता है वो जल जाएगा, पर तुम जलोगी नहीं क्योंकि तुम आत्मा में आई हो यहाँ पर, ऐसा कहा। और फिर मैंने कहा ठीक है यीशु पिता। फिर मैं सबकी तरफ देख रही थी, फिर मैंने पृथ्वी को देखा, मैंने देखा कि बहुत ही बुरे लोग वहाँ पर हैं और मैं बहुत दुखी हो गई वो देखकर। फिर मैंने यीशु पिता से पूछा यीशु पिता पृथ्वी पर बहुत सारे लोग जी रहे हैं यीशु पिता, लेकिन वो सब कब बचेंगे, उनका उद्धार कब होगा, ये बताइए यीशु पिता। फिर यीशु पिता ने कहा उनके लिए प्रार्थना करो कि वो नरक में नहीं जाने चाहिए, ऐसा कहा। देखो कितनी सारी आत्माएं नष्ट हो रही है, ऐसा कहा। कितना निर्दोष लहू मुझे पुकारता है, ये देखो बहुत सारे लोग अपने भाई बंधु को मार डालते, कोई भी कारण बिना मार डालते, ऐसा कहा उन्होंने। और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसे तुम्हें प्रार्थना करना है, ऐसा प्रभु ने कहा। बहुत सारी
बुरी चीजें हो रही है पृथ्वी पर, ऐसा कहा। फिर मैं बहुत बहुत दुखी हो गई। फिर यीशु पिता ने मुझसे कहा, दुखी मत हो, खुश हो जा, क्योंकि तुम्हें उनके लिए प्रार्थना करनी है। मैं उन्हें सब नुकसान से बचाऊंगा, सब दुख से बचाऊंगा, ऐसे उन्होंने कहा। जब मैं यीशु पिता से प्रार्थना कर रही थी, उस समय मैं मार्स में गई, प्रार्थना के वक्त गई, और मार्स में वहाँ पर ना लाल रंग की मिट्टी थी, और जैसे उस पे मिट्टी पे लोग चल रहे थे ना, तो वो मर रहे थे, पर मैं नहीं मरी उस मिट्टी पर चलकर। जब मैंने उसे स्पर्श किया, वो बहुत नरम लगी, नरम थी मिट्टी। अंत में यीशु पिता मुझे अपने साथ नेपच्यून में लेकर गए, और वहाँ सब कुछ बहुत सुंदर था। फिर यीशु पिता ने मुझसे कहा कि देखो, मून की तरफ देखो, वो बहुत ही बड़ा था। जब मैंने मून को स्पर्श किया, तो वो बहुत ही सुंदर था मून। उसके बाद यीशु पिता ने मुझसे कहा, आज के बाद ये मून जो है वो सुंदर नहीं होगा, वो लाल रंग का हो जाएगा, और जो सूरज है, सन है, वो रोशनी नहीं देगा, और जो तारे वो गिर जाएंगे, आसमान से गिर जाएंगे, और यही होंगे संकेत मेरे आने के। यही मेरा दर्शन है। वचन बताने वाली हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है मेरे दोस्तों। वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास गए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, कहते हुए, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मैं पहली क्लास में पढ़ती हूँ, और मैं सेंट डोमिनिक स्कूल में पढ़ती हूँ। एंजल टीवी में हमने बहुत बच्चों को दर्शन कहते हुए सुना है उनको दर्शन कहते हुए। मेरी मम्मी कहती है कि मुझे भी वैसा अभिषेक प्राप्त होना चाहिए, ऐसा कहती है मम्मी।
और उसी दिन मैंने ईश्वर पिता से कहा कि मुझे अभिषेक दीजिए और उन्होंने मुझे प्रदान किया क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मुझे प्रभु को किस करके धन्यवाद करने को कहती है और मैं वैसा ही करती थी। फिर ईश्वर पिता ने मुझसे प्रेम करना शुरू कर दिया। मुझसे प्रेम करना जब मैं UKG खत्म करके फर्स्ट क्लास में आई, हम नए घर में गए, फिर मैंने सभा में भाग लेना शुरू कर दिया। ईश्वर पिता ने मुझे सिखाया कि शैतान क्या करता है और हमें उसे कैसे मारना चाहिए, ऐसा सिखाया ईश्वर पिता ने। और उसके बाद अभिषेक प्राप्त करने के बाद शैतान मुझे कहता था कि मुझे अभिषेक को जाने देना चाहिए, ऐसा कहता था वो मुझसे। फिर मैंने ईश्वर पिता से पूछा कि वो मुझे भाला दे। फिर मैंने भाला लिया और मैं वो लेके गई शैतान को मारने के लिए, उसका नाश करने के लिए। फिर मैंने उसे उसके हाथ में घुसाने की कोशिश की और वो शक्ति से वो शैतान नष्ट हो गया उस शक्ति से। और वो तलवार जो मेरे मुंह से निकली उसने भी उसे नष्ट कर दिया। ऐसा मैंने देखा। फिर वो शैतान और के जो दूत थे उन्होंने कहा अन्य भाषाओं में बात करना बंद करो और दर्शन देखना भी बंद कर दो। तुमको हमेशा एक बुरी लड़की रहना है, अच्छी लड़की नहीं बनना है तुमको, ऐसा वो बोला मुझसे। फिर उसके ये कहने के बाद मैंने शैतान से कहा अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुमको परेशान करूंगी, ऐसा कहा मैंने। फिर शैतान मुझसे भयभीत हो गया और उसने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे पानी के अंदर एक तलवार डाल दूंगा। फिर मैंने उसे उसके पीठ पे मारा मैंने उसे और फिर वो शैतान गिर गया शैतान। जब वो मर गया ना फिर ईश्वर पिता बहुत खुश हो गए थे। दोस्तों मैंने जो स्वर्गलोक में देखा वो मैं दर्शन बताऊ आपको। मैं जब पहली बार गई थी मैंने वो उपहार देखे जो ईश्वर पिता के पास थे शहीदों के लिए। ईश्वर पिता ने उन्हें खुला रखा था और फिर वो तैयार हुआ, मैंने वो बॉक्स देख लिया था। उस बॉक्स में लिखा था योद्धाओं का उपहार, ऐसा लिखा था वॉरियर्स गिफ्ट, ऐसा लिखा था। और जब मैंने वो वॉरियर्स गिफ्ट जब मैंने खोला ना, पता है फिर ईश्वर पिता ने मेरे लिए रखा था, मेरे परिवार के लिए भी रखा था और शहीदों के लिए भी। और उन्होंने शहीदों के लिए ही उसे तैयार करके रखा हुआ था, अच्छे से रखा था। और फिर जब शैतान ने मुझे देखा वो बहुत ही चकित हो गया और उसने मुझे डांटते हुए कहा कि मेरी बात सुनने की बजाय ईश्वर पिता की बात सुन रही है, और उसे बहुत शर्म आ रही थी। फिर मैं ना उसके पीछे चली गई थी और उसने सब कुछ तैयार रखा था ताकि उसके घर में तैयार रखा था ताकि काला जादू कर सके वो इसलिए। और वहाँ पर उन दिनों में कोई बाइबल नहीं होती थी ना उन दिनों में, तो मैं उधर कोई देश में खड़ी हुई थी और फिर मेरे पैर जो थे वो उस देश के ऊपर थे और मुझे रोका जा रहा था। मेरे पैर वहीं पर थे लेकिन मुझे रोका जा रहा था। फिर मैंने ईश्वर पिता से कहा ईश्वर पिता
आपका और मेरा पैर एक साथ क्यों है? क्यों है ऐसा बताइए मुझे यशो पिता, बताइए मुझे। तो यशो पिता ने मुझे सिखाया कि शहीदों के पैर ही है जिसकी वजह से शैतान का नाश हो जाएगा, वो उसे नष्ट कर देंगे। उसके बाद वो चल भी नहीं पाया और वो छाप भी नहीं लगा पाया और उसमें कोई शक्ति ही नहीं बची थी। उसके बाद वो गिर गया और वो पत्थर से टकरा गया और जैसे वो पत्थर से टकराया वो मर गया। देखा मेरे दोस्त कितने अच्छे से बात कर रहे थे ना। ए, पहले मैं सोचता था कि सिर्फ तुम ही सांस ले बिना बात करते हो, लेकिन तुम्हारे दोस्त तो बहुत ही प्रतिभाशाली है। ए, ऐसे बात करेंगे तभी शैतान को भगा सकेंगे हम लोग। सारे बच्चे अगर इसी तरह से बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे ना, तभी वो यीशु पिता के आने का मार्ग तैयार करेंगे और शैतान को भगा कर बहुत सारी बढ़िया चीजें करेंगे। वाह वाह वाह, बहुत सी चीजें सीखी मैंने। ए, आज के बाद तुम तिरुनल वैली गए ना तो मुझे भी साथ लेके जाना, सारे बच्चों को देखकर मैं भी बहुत सारी चीजें सीख जाऊंगा। ए, पहले अपनी आंखें खोलो और देखो कितने बच्चे हमारी तरफ देख रहे हैं। ए, छोटे बच्चों, क्या आप सब लोग अच्छे हो, ठीक हो ना? अब देखो हम दोनों आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करो। ए, हिप्पोपोटामस में से तुम्हें आता है प्रार्थना करना? हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए? ए, प्रार्थना करने के लिए हमें अपनी आंखें बंद करके यीशु पिता की तरफ देखना चाहिए। हमें बीच में आंखें खोलनी नहीं चाहिए? हाँ हाँ, क्या दोस्तों आप सबने घुटने टेक कर आंखें बंद कर हाथ जोड़ लिए? क्या अब हम प्रार्थना करें? ओ, ओ, प्यारे यीशु पिता, हमारी दोस्त जॉयस और एलिस की तरह ही हमारी मदद कीजिए और हमारे दोस्तों की मदद कीजिए कि हम भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त कर सके। चैतन्य का नाश करने में हमारी मदद कीजिए यीशु पिता। यीशु पिता, सारे बच्चे भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त करके आपके आने के लिए मार्ग तैयार करिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, शीघ्र ही आप पृथ्वी पर आइए यीशु पिता। हमारे सारे दोस्त उसके लिए तैयार होने चाहिए यीशु पिता। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हमारे अच्छे पिता। आमीन। आमीन का अर्थ क्या है? आमीन का अर्थ है प्रभु के नाम से ऐसा ही हो। अब हमने प्रार्थना की है ना, सब लोग भी दर्शन देखेंगे। ए, वो सिर्फ दर्शन ही नहीं देखेंगे, शैतान का नाश भी करेंगे। वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा ठीक है, अगर मैं धूप में रहा तो मुझे एलर्जी हो जाएगी। चलो मैं जाके नहा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, बाय, ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय। इसी प्रकार अगर आपके बच्चों को भी कोई आत्मिक अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुट्टीज, एंजल टीवी, बिल्ली बक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutties@angeltv.org।